हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो सिलेबस डिस्कशन की सीरीज में अभी हम देखेंगे कि क्लास एट के कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपके टर्म टू के सिलेबस में हैं मैथ से शुरू करते हैं अभी हमने एक साम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस भी किया है ओके सो मैथमेटिक्स क्लास एट सिलेबस फॉर टर्म टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सबसे पहले है आपका चैप्टर नंबर नाइन एल्जब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज इसमें किस तरीके से एल्जब्रा में आप डिफरेंट एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं Using constants and variables. कैसे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आप उनको डिस्टिंग्विश करते हैं एज मोनोमियल बाइनोमल ट्राइनोमल्स कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशियंट किस तरीके से लाइक like टर्म्स को एक साथ रख के आप एड्स अपट्रैक्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशन और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लास्ट एक्सरसाइज में जो थ्री आइडेंटिटीज आपको दी है वो आपको लर्न करनी है एंड उन पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन है उनको सोल्व करना आपको आना चाहिए ओके नेक्स्ट इज विजलाइजिंग सॉलिड शेप्स किस तरीके से डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं एक थ्री डी ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू एंड देन लास्ट एक्सरसाइज जो है आपकी अबाउट पॉली एंड प्रिज्म पिरामिड्स और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें यूलर्स फॉमूला फेसेस वॉट एंड एजेस कितनी हो सकती है किसी भी पॉली में उसके बाद दो चीज़ें इनमें से दे, दे देंगी एक मिसिंग होगी वो आपको फाइंड करनी होगी नेक्स्ट इज मैंसरेशन इसमें सभी जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आपके हैं उनके एरियाज एंड पेरीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए उसके बाद थ्री डी शेप्स जो बेसिक है आपकी क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर एंड कोन उनका सी एस ए टी एस एंड वॉल्यूम कौन नहीं है सॉरी क्यूब क्यूबॉइड एंड सिलेंडर है सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज वॉल्यूम की भी है नेक्स्ट इज एक्सपोनेंस एंड पावर ये बहुत लेंथी चैप्टर्स नहीं है दो ही चीजें एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म uh, में क्रिएट करना और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर दिए उसको जनरल फॉर्म में लिखना एंड uh, जो पहली एक्सरसाइज है कि किस तरीके से आप डिफरेंट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं

NCRT के जो क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें कुछ आ, आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं okay? चलिए आगे आते हैं, सोशल स्टडीज एस एस टी चैप्टर्स हैं आपके हिस्ट्री में सबसे पहले वीवर्स आयरन एंड फैक्ट्री ऑनर्स सिविलाइज द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म द मेकिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ द नेशन

जो आपके एग्जाम में आएंगे और उसके लिए आपको पूरा चैप्टर ही समझना पड़ेगा उसके अलावा जो दो टॉपिक्स हैं आपके इंडस्ट्रीज ह्यूमन रिसोर्सिस जोग्राफी में और हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं इनमें जो कुछ प्लेसेस हैं इंपॉर्टेंट उनकी क्या लोकेशन है इंडिया के मैप पर वो भी आपको पता होनी चाहिए ओके okay, नेक्स्ट आगे है इंग्लिश दो बुक्स हैं आपके इंग्लिश में हनी ड्यू जो कि आपकी मेन टेक्स्ट बुक है और सप्लीमेंट्री रीडर में इट सो चैप्टर्स हैं आपके Uh, this is jory's fawn the duck and the kangaroo the fight a visit to cambridge when i set out for Lioness, a short monsoon diary the open window jalebis the great stone face 1 on the grasshopper and the cricket then uh, the uh, the great stone face 2 the comet 1 and the comet 2 दोनों ही बुक से आप देख लेंगे जो भी जिसका चैप्टर है उसके बाद ग्रामर पर आते हैं ग्रामर में वही कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं आपके एडिटिंग गैप फिलिंग एंड सेंटेंस रिऑर्डरिंग देन डायलॉग कंप्लीशन कंजंक्शंस कंजंक्शंस तीन ही हैं आपके इसमें एंड बट एंड और जो दो सेंटेंसेस जिनसे आप इनको यूज करके उनको ज्वाइन करते हैं नेक्स्ट है लेटर टू एडिटर प्रिपोजिशंस डायरी एंट्री डिटर्मिन एंड आर्टिकल राइटिंग ओके नेक्स्ट आगे है कक्षा आठ हिंदी चैप्टर्स हैं आपके नई समस्याएं जब सिनेमा ने बोलना सीखा सुदामा चरित, जहां पहिया है अंतिम दौर एक अकबरी लोटा सूर के पद अंतिम दौर टू तनाव पानी की कहानी बाज और सांप टोपी कहानी दो पृष्ठभूमिया ये लेसन है इसके अलावा जो व्याकरण है आपका जिसमें कि संधि है संज्ञा सर्वनाम क्रिया काल उपसर्ग प्रत्यय मुहावरे लोकोक्तियां ओके एंड लेटर राइटिंग पत्र लेखन निबंध लेखन सार लेखन कहानी लेखन ये चार टॉपिक्स क्रिएटिव uh, राइटिंग सृजनात्मक लेखन की है नेक्स्ट संस्कृत पाठ है आपके सप्त भगिन्य व्याकरण में प्रत्यय नीति नवनीतम उसके बाद व्याकरण में है प्रयुक्त संधि पद सावित्री बाई फुले शब्द रूप अस्मद और युष्मद के कह रक्षती कह रक्षित शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि चित्र वर्णन एक चित्र आपको दिया होगा उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस आपको लिखने होंगे आर्यभट राजन शब्द और इश इच के धातु रूप पहेली का और संख्या आपको पता होनी चाहिए वन टू हंड्रेड एंड प्रियंतम तो चैप्टर शुरू है सप्त भगिन्य से नाइन चैप्टर आई ये और इसके बाद लास्ट प्रियंतम तक एंड है और जो कुछ कॉमन आपके व्याकरण के टॉपिक है उसमें प्रत्यय है संधि संधि पद शब्द रूप है अस्मद युस्मद और राजन के पुल्लिंग ये देव की तरह ही चलेंगे और धातु रूप है इच्छ के नंबर्स आपको आने चाहिए वन टू हंड्रेड और सबसे लास्ट में है साइंस चैप्टर्स हैं आपके फ्रिक्शन फोर्स एंड प्रेशर पहले रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स था बट वो हट गया है अभी नेक्स्ट इज रीचिंग द एज ऑफ साउंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सम नेचुरल फिनोमेना स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम लाइट एंड लास्ट चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर ओके तो so, ये थे आपके आ, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स जो कि आपके एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं होपफुल प्रिपरेशन आप सभी ने स्टार्ट कर ही दी होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग